डियर स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड फ्रेंड्स, मुझे पता है कि हम सभी एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां आपको अपना सभी वर्क ऑनलाइन करने के लिए कहा जा रहा है। यह समय की डिमांड भी है और हमारी ज़रूरत भी है, चाहे वो हमारा ऑफिशियल वर्क हो या फिर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। हम सभी काम बहुत ही आसानी से और अच्छे तरीके से ऑनलाइन कर सकते हैं। ज़रूरत है हमें इसके लिए थोड़ी सी सावधानी पूर्वक कार्य करने की और कुछ सीखने की। तो इस कड़ी में ही आज हम ये सीखेंगे कि गूगल क्लासरूम और गूगल मीट का यूज़ आसानी पूर्वक किस तरीके से करें। ये दोनों ही ऐप हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल हैं और ये सिक्योर भी है। जैसे गूगल क्लासरूम में जाकर वीडियो कॉलिंग या आप कॉन्फ्रेंसिंग या मीटिंग कर सकते हैं, इस बात को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। आप ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए, इट विल बी डेफिनेटली हेल्प यू। नाउ आई एम कमिंग टू द पॉइंट कि हाउ कैन वी इंटीग्रेट गूगल क्लासरूम एंड गूगल मीट। ओके, तो सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि ये दोनों ही ऐप आपको अपने फ़ोन में डाउनलोड करना होगा, चाहे आप स्टूडेंट हों, टीचर हों या फिर किसी अदर कंपनीज में काम करने वाले एम्प्लॉई हों। आप गूगल क्लासरूम और गूगल मीट दोनों ही ऐप को सेम आईडी से लॉगिन कीजिए, और याद रहे लॉगिन आईडी आप वहीं लेंगे जो आपके ऑफिस ने या फिर आपके स्कूल या टीचर ने प्रोवाइड किया है। क्योंकि आप नॉर्मल अगर जीमेल आईडी का यूज़ करते हैं तो शायद आप दोनों का कॉम्बिनेशन जो है उसका बेनिफिट ना उठा पाएँ। तो सबसे पहले एक बार हम ट्राई करते हैं कि किस तरीके से गूगल क्लासरूम में जाकर आप वीडियो कॉलिंग कर पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले तो गूगल क्लासरूम आप ओपन कीजिए। गूगल क्लासरूम पर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ पर जो मैंने क्लासेस पहले से जनरेट कर रखे हैं वो दिख रहा है। तो हम इसमें कॉर्नर पर क्लिक करके आप देखेंगे यहाँ जो आपकी आईडी दिख रही है जीमेल आईडी, तो अगर हम आप जो नॉर्मल जीमेल आईडी होती है, जो जैसे मेरा ना जीमेल आईडी है, मैं उस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के साथ ही ये सभी क्लासेस मुझे फिर से दिख रही हैं। अब मैं किसी पर्टिकुलर क्लास को ओपन करता हूँ। इस देखिए इसमें एक जो अपर पार्ट में आपको एक पॉइंट दिखाई दे रहा है, डॉट जैसा पॉइंट्स है, इस पॉइंट पर आप को क्लिक करना है। जब इस पॉइंट पर क्लिक करते हैं तो आपको इस तरीके से स्क्रीन दिखता है, अबाउट आपकी क्लास, सेक्शन, रूम, सब्जेक्ट, और नीचे आपको जनरल डिस्क्रिप्शंस में आपको क्लास का कोड दिख रहा है, स्ट्रीम सेटिंग दिख रही है और क्लास वर्क ऑन द स्ट्रीम दिख रहा है। यहां आपको किसी तरीके से वीडियो कॉलिंग वगैरह का ऑप्शन नहीं आ रहा है। चलिए हम बैक चलते हैं। अब मैं आपको अपनी जो प्रोफेशनल आईडी है, जो आपकी भी कंपनी या फिर अगर आप टीचर हैं तो आपके स्कूल साइड से प्रोवाइड किया जाएगा करेंगे। बिजनेस आईडी पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से अगर आपने क्लास जनरेट किया है तो आपकी क्लास की लिस्ट देखेगी। चलिए मैं एक पर्टिकुलर क्लास पे क्लिक करता हूँ। मैंने सेक्शन बी पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद फिर से उसी तरीके से जो अपर पार्ट में डॉटेड पॉइंट बना हुआ है उस पर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने से फिर से वही चीज़ें आ रही हैं। देखिए आप, सेक्शन आ रहा है, रूम आ रहा है, सब्जेक्ट आ रहा है, जनरल में क्लास कोड दिख रहा है। अगर आप कभी भूल गए तो आप यहाँ से क्लास कोड देख सकते हैं। नीचे एक वीडियो मीटिंग लिंक दिख रहा है, जो कि पुराने आप जनरल जीमेल अकाउंट से अगर आप लॉगिन करते हो तो आपको नहीं दिखेगा। इस जनरल
क्लास कोड के नीचे जो वीडियो मीटिंग लिंक है वहां पर आप क्लिक करके रीसेट मीटिंग कर सकते हैं। मीन्स आप जब चाहें तो इस लिंक को क्लिक करके दूसरा आईडी जनरेट कर पाओगे। अगर आपने पहले से नहीं किया है तो उस थ्री डॉटेड पॉइंट पर क्लिक कीजिए, आपको न्यू आईडी जनरेट का ऑप्शन मिलेगा, आप जनरेट कर दीजिए। अब आप जनरेट करेंगे तो लिखा यहाँ विजिबल टू स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको इसे स्टूडेंट्स को दिखाना है। अगर आप नहीं दिखाते हो तो स्टूडेंट आपकी कॉन्फ्रेंस रूम को ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। चलिए मैं इस पर क्लिक करके इसे विजिबल कर देता हूँ, विजिबल टू स्टूडेंट्स। अब यहाँ क्लिक करके देखिए मैं बैक जाके देख रहा हूँ कि क्या हो रहा है। पहले इसको आपको सेव भी करना होगा, सेव भी कर लेते हैं पहले। ओके सेव कर लिया। अब आप देखिए स्क्रीन पर क्या दिख रहा है। अब देखिए स्क्रीन पर आपको दिख रहा है ये आइकन, पता है आपको ये वीडियो कॉलिंग का ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वीडियो कॉलिंग वाले आइकन पर हम क्लिक करके वीडियो कॉल कर पाएंगे। टीचिंग लर्निंग का जो प्रोसेस है आप उसी तरीके से कर पाएंगे जो डायरेक्टली किसी अदर ऐप का यूज करने से आप करते हैं। ठीक है, अब इस पर मैं क्लिक करता हूँ। देखिए क्लिक करते ही गूगल मीट का ऐप जो मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है वो काम करने लगता है। ये ओपन हो रहा है, ओपन होते ही देखिए इसमें लिख रहा है ज्वाइन मीटिंग, यू आर द फर्स्ट वन हियर, मीन्स पहले से किसी ने ज्वाइन नहीं किया। तो अब मैं ज्वाइन मीटिंग पर क्लिक करके मीटिंग को ज्वाइन करता हूँ। ठीक है, एंड एड अदर्स कह रहा है, आप चाहे तो इसे शेयर करके अदर स्टूडेंट को आप आसानी से ऐड कर पाओगे। एक बार हमने वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए स्टूडेंट्स को टाइमिंग और उसका डे बता दिया, अब स्टूडेंट क्या करेगा, सेम टाइम पर गूगल क्लासरूम ऐप जो उसने पहले से डाउनलोड कर रखा है उसे ओपन करेगा। ठीक है, ओपन करते ही उसको अपनी सभी क्लासेस दिखेंगी, करेगा उस सब्जेक्ट पर स्टूडेंट्स जिस सब्जेक्ट को ज्वाइन करना चाहता है उस सब्जेक्ट पर क्लिक करेगा। क्लिक करते ही उसे भी उसी तरीके का वीडियो कॉलिंग ऐप का आइकन दिखेगा जैसे हमें दिख रहा था। ये देखिए यह आइकन दिख रहा है, इसी आइकन पर आप स्टूडेंट क्लिक करेगा। क्लिक करते ही स्टूडेंट को भी इसी तरीके का ऑप्शन दिखेगा ज्वाइन मीटिंग। ज्वाइन मीटिंग पर क्लिक करके स्टूडेंट हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को ज्वाइन कर पाएगा। फ्रेंड्स, तो हमने देख लिया कि किस तरीके से गूगल क्लासरूम और गूगल मीट इंटीग्रेशन का हम आसानी से फायदा उठा पाएंगे। लेकिन बस कंडीशन यही है कि आपको इसके लिए जो गूगल क्लासरूम में लॉगिन कर रहे हैं वो आईडी बिजनेस आईडी होनी चाहिए। के तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। और इसी तरीके से इन फ्यूचर में अगर कोई कठिनाई स्टूडेंट्स को आती है तो डेफिनेटली आई विल ट्राई टू मेक सम मोर वीडियोज ऑन इट। थैंक यू, शेयर एंड सब्सक्रिप्शन की उम्मीद करता हूँ। बाय।